हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। आई एम पारुल एंड हियर आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6 ऑफ प्रोज फॉर क्लास 12 यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज विमेंस एजुकेशन, रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये इस नाम से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके बर्थडे को, इट मीन्स 5 सेप्टेम्बर को टीचर्स डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे इंडिया के 1962 से 67 तक। जब ये प्रेसिडेंट बने तो उससे पहले ये एक टीचर थे फिलॉसफी के डिग्री कॉलेज में, और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1954 में इनके कार्यों के लिए जो एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने किए। एजुकेशनलिस्ट मीन्स शिक्षाविद थे ये, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे वर्क किए। फिलॉसफर दार्शनिक थे, फिलॉसफी पढ़ाते थे बच्चों को डिग्री कॉलेज में। स्टेट्समैन यानी कि राजनेता, जब ये प्रेसिडेंट बने तो ये राजनेता कहलाए। बहुत अच्छे अच्छे वर्क किए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता। सो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चैप्टर का टाइटल है उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बहुत ही जोर दिया है विमेन्स एजुकेशन यानी कि स्त्रियों की शिक्षा। वो बता रहे हैं कि विमेन्स एजुकेशन किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब तक किसी देश की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, उस देश का कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता। और इसमें बताया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। और इसमें बताया उन्होंने कि हॉली बुक्स का क्या रोल है एजुकेशन में, हॉली बुक्स भी कितनी इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन के सिद्धांतों को बनाने के लिए उन होली बुक्स का कितना अच्छा रोल है। दैट इज ऑल इज डिस्कस्ड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सो लेट्स बिगिन विद द टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड इट्स एक्सप्लेनेशन एंड डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग। यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन। यू आर लिविंग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कह रहे हैं कि यू आर लिविंग, आप रह रहे हैं, जी रहे हैं इन एन एज, एक ऐसे युग में व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, जब महान अवसर हैं, इट मीन्स बड़े बड़े अवसर हैं फॉर विमेन, स्त्रियों के लिए। कहाँ कहाँ हैं? सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रबंधन में, प्रशासन में। तो आज आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब विमेन के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े अवसर हैं इन तीनों क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और प्रशासन में भी। सोसाइटी रिक्वायर्स विमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेट मैनर्स। सोसाइटी रिक्वायर्स, समाज को आवश्यकता है विमेन ऑफ, कैसी स्त्रियों की? डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित मस्तिष्क वाली, एंड रेस्ट्रेंट मैनर्स मीन्स नियंत्रित व्यवहार वाली। रेस्ट्रेंट मीन्स कंट्रोल्ड, मैनर्स मीन्स बिहेवियर। तो कंट्रोल्ड बिहेवियर और डिसिप्लिन माइंड वाली महिलाओं की आवश्यकता है समाज को, कि समाज को सही दिशा दे सकें, समाज को सही प्रेरणा दे सकें। तो ऐसी महिलाएं वही हो सकती हैं जो डिसिप्लिन्ड हों और जो रेस्ट्रेंट मैनर्स हों। और ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? एजुकेशन से। जब वो एजुकेटेड होंगी तो उनके अंदर ये जो रेस्ट्रेंट मैनर्स और डिसिप्लिन्ड माइंड्स, ये क्वालिटीज़ हैं, ये आ जाएंगी। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, जो भी लाइन ऑफ वर्क, कार्य, जो भी कार्य यू अंडरटेक, आप चुनते हैं या आप लेते हैं, जो भी कार्य आप लेते हैं या चुनते हैं अपने जीवन में, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। आपको इसमें लाना होगा, क्या लाना होगा? ऑनेस्ट और डिसिप्लिन माइंड, यानी कि ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क। इट मीन्स आपको इस कार्य को कैसे करना होगा? मस्तिष्क, यानी कि इसमें क्या लगाना होगा? एक ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क इसमें लाना होगा, इस कार्य में पूरी ईमानदारी से करना होगा, पूरे अनुशासित मस्तिष्क के साथ उसे करना होगा। यू विल देन सक्सीड, और यदि आप ऐसा करते हैं, यू विल देन सक्सीड, तो फिर आप सफल हो जाएंगे। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने कार्य का आनंद प्राप्त करेंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी यहाँ कह रहे हैं कि यदि आप कोई भी कार्य चुनते हैं, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता,
इट मीन्स कोई भी कार्य आप जो भी आपने लिया है, जो भी पर्पज, जो भी उद्देश्य आपने लिया है, यदि आप उसे ऑनेस्टी के साथ करते हैं तो सक्सेस आपको तभी प्राप्त होगी। बिना डिसिप्लिन और बिना ऑनेस्टी के कोई भी वर्क में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि आप सफलता प्राप्त नहीं करते तो उसका आनंद भी नहीं ले सकते। तो इट मीन्स यदि आप किसी भी कार्य को, छोटे से छोटे कार्य को या बड़े से बड़े कार्य को ऑनेस्टी और डिसिप्लिन माइंड के साथ करते हैं तो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे और अपने कार्य का आनंद भी लेंगे। एक्चुअली इन आर कंट्री एजुकेशन, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, एक्चुअली वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन, शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स, जहां तक कि लड़कियों की शिक्षा इज कंसर्न का सवाल है, कंसर्न मीन्स से संबंधित होना किसी चीज का, तो जहां तक कि लड़कियों की शिक्षा का सवाल है हमारे देश में, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ। ये काफी वाइड स्प्रेड नहीं है, इट मीन्स काफी विस्तृत नहीं है, काफी इसका विस्तार नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्थी ऑफ रिकॉग्निशन एंड एनकरेजमेंट। इसीलिए हर संस्था विच कंट्रीब्यूट्स, जो योगदान देती है टू द एजुकेशन, शिक्षा में, किसकी शिक्षा में, लड़कियों की। इट मीन्स वो कोई भी संस्था हो जो लड़कियों की शिक्षा के लिए जागरूक है और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देती है, इज वर्दी, वो क्या है, योग्य है ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स मान्यता, इट मीन्स उसे मान्यता मिलनी चाहिए एंड एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो उस संस्था को एक मान्यता और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो संस्था पहचान और मान्यता और जो प्रोत्साहन है उसके वो योग्य है। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान या मान्यता, तो उसके वो योग्य है। बट आई एम एंशियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कह रहे हैं कि आई एम एंशियस, मैं चिंतित हूं, लेकिन मैं चिंतित हूं दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार की शिक्षा दैट इज इम्पार्टेड, जो कि प्रदान की जाती है, इम्पार्टेड मीन्स दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वो केवल विस्तृत ही ना हो, बट शुड ऑल्सो बी डीप, बल्कि वो गहराई से परिपूर्ण हो, गहराई वाली हो। गहराई से मीन्स वो क्या कहना चाहिए, मीनिंगफुल हो। इट मीन्स वो लाइफ में यूजफुल तरीके से व्यक्ति मतलब उसे प्राप्त करे और अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सके, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। केवल विस्तृत ही ना हो बल्कि वो मीनिंगफुल भी हो। वी आर लैकिंग इन डेप्थ। अब वो कह रहे हैं हमें गहराई की कमी है। इट मीन्स हम किसी भी एजुकेशन में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें गहराई में जाना नहीं चाहते, उसे डीपली समझना नहीं चाहते, या फॉर एग्जाम्पल केवल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ लिया तो वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है। इट मीन्स जब तक उसको अर्थपूर्ण तरीके से ना पढ़ा जाए, तो वो कह रहे हैं कि हम में गहराई की कमी है। वी मे बिकम लर्न्ड एंड स्किल, हम लर्न्ड हो सकते हैं, लर्न मीन्स विद्वान हो सकते हैं, स्किल्ड किसी कार्य में कुशल होना, दक्ष होना, तो हम किसी कार्य में दक्ष हो सकते हैं, बट लेकिन इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन यदि हम नहीं रखते किसी प्रकार का पर्पज, इट मीन्स उद्देश्य इन आवर लाइफ, अपने जीवन में, आवर लाइफ देमसेल्फ बिकम्स ब्लाइंड, तो हमारा अपना स्वयं का जो जीवन है बिकम, वो बन जाता है, कैसा बन जाता है, ब्लाइंड, अंधकार में। ब्लंडरिंग मीन्स फुल ऑफ, ब्लंडर मीन्स ग्रेट मिस्टेक्स, बहुत भारी भूल से भरा हुआ, बिटर मीन्स कड़वाहट से भरा हुआ। इट मीन्स अगर हम विद्वान, हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली, बहुत सारी नॉलेज ले ली और हम विद्वान बन गए किसी कार्य में, हमने बहुत अच्छे से सीखा, उसे निपुण बन गए, बट अगर हमारा लाइफ में उसको सीखने के बाद कोई उद्देश्य नहीं है, तो हमारी जो लाइफ है वो इन तीन चीजों से भर जाएगी। इट मीन्स कैसी हो जाएगी, वो दिशाविहीन हो जाएगी, ब्लाइंड हो जाएगी, अंधकार में हो जाएगी, ब्लंडरिंग फुल ऑफ ग्रेट मिस्टेक्स, यानी कि बड़ी बड़ी भूल, भारी भूल से भर जाएगी, और बिटर कड़वाहट से भर जाएगी। इट मीन्स उद्देश्यहीन जो जीवन है वो कोई जीवन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और जैसा कि वो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं भगवत गीता से, द गीता सेज व्यवसायत्मिका बुद्धिर एका, कि ये बात हमारी होली बुक भगवत गीता भी कहती है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एका, यानी कि जो व्यवसाय वाली बुद्धि होती है वो एक ही होती है। व्यवसायत्मिका इट मीन्स किसी व्यवसाय में लगी हुई बुद्धि एक ही होती है। इट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं जो अव्यवसायी बुद्धि है वो अनेक शाखाओं में बटी रहती है, और जो व्यवसाय वाली बुद्धि होती है, इट मीन्स जिसका कोई पर्पज होता है लाइफ में, वो एक ही दिशा में कार्य करती है।
फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, अ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, टू फॉर अ ट्रूली एक सच्चे कल्चर्ड माइंड, कल्चर्ड मीन्स संस्कृति, सांस्कृतिक मस्तिष्क। तो जो एक अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति है, सांस्कृतिक मस्तिष्क है, उसका जो माइंड है वो कैसा होता है, उसमें क्या होता है, एकाग्रचित होता है। देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, उसमें एकाग्रचित यानी कि एक ही दिशा में वो लगता है, अ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, और एक ही उद्देश्य के लिए वो समर्पित होता है। डेडिकेशन मीन समर्पण, एक ही उद्देश्य के लिए समर्पण होता है, एकाग्रचित होता है। कौन? जिसका जो सुसंस्कृत या सांस्कृतिक मस्तिष्क वाला व्यक्ति है। एंड फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और जो असांस्कृतिक व्यक्ति है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, उसका सारा जीवन स्कैटर्ड बिखरा रहता है इन मैनी डायरेक्शंस, बहुत सारी दिशाओं में। इट मीन्स उसका कोई सिंगल पर्पज नहीं होता, कोई सिंगल माइंडेडनेस नहीं होता उसके अंदर, उसका जो ध्यान है वो एक उद्देश्य पर नहीं होता, तो वो अनेक शाखाओं में बिखरा रहता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, बहु शाखा हयंतस्ताश्च, यानी कि बहुत सारी शाखाओं में बिखरा होना, बहुत सारी शाखाओं में बटा होना। देयरफॉर इट इज एसेंशियल, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी यहाँ कह रहे हैं कि जीवन में एक उद्देश्य होना कंपलसरी है। अगर एक उद्देश्य नहीं है और बहुत सारे उद्देश्य आपने एक समय में ले लिए हैं, तो उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो सकता। सफलता तभी मिलती है जब सिंगल माइंडेडनेस हो, जो भी कार्य हमने लिया है उसके लिए डेडिकेशन हो। देयरफॉर इट इज एसेंशियल, और इसीलिए यह आवश्यक है, दैट द एजुकेशन, की शिक्षा विच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशन शुड गिव यू नॉट मेरिली लर्निंग, कि यह आवश्यक है दैट द एजुकेशन, की वो शिक्षा विच यू एक्वायर, जो आप प्राप्त करते हैं इन दीज इंस्टीट्यूशन, इन संस्थाओं में, शुड गिव यू नॉट मेरिली लर्निंग, वो केवल आपको मेरिली मीन्स केवल ज्ञान, लर्निंग मीन्स ज्ञान एंड स्किल, कार्य कुशलता, किसी कार्य में निपुण होना, तो वो शिक्षा केवल आपको ज्ञान और स्किल ही ना देने वाली हो। जो भी शिक्षा आप इन संस्थाओं में प्राप्त कर रहे हैं वो केवल आपको ज्ञान और दक्षता ही प्रदान ना करे, बट एंडो यू विद अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, बल्कि वो आपको एंडो करे, एंडो मीन्स प्रदान करना, विद अ डेफिनेट पर्पज। डेफिनेट पर्पज मीन्स एक निश्चित उद्देश्य जीवन में, कि वो आपको एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, वो आपको एक उद्देश्य दे सके जीवन में। व्हाट दैट पर्पस, और वो उद्देश्य क्या हो, इज यू हैव टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ, उसे आपको खुद डिफाइन करना है फॉर योरसेल्फ, अपने लिए, मतलब वो जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या हो वो आपको खुद ही डिफाइन करना है, खुद ही तय करना है कि वो उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपको उद्देश्य दे, और वो उद्देश्य आपको खुद ही डिफाइन करना है अपने लिए कि वो उद्देश्य क्या होना चाहिए। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट विद्या गिव्स यू विवेक, कि विद्या आपको विवेक देती है, विवेक, और भगवत गीता में कहा गया है विमर्श रूपिणी विद्या, विमर्श रूपिणी विद्या, विमर्श रूपिणी मीन्स विचार, विमर्श करने की शक्ति देने वाली होती है विद्या, विवेक। विवेक क्या होता है, वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, द सेंस, एक ऐसा भाव जो हमें बताता है क्या सही है और क्या गलत है, इसका जो अंतर बताता है उसे विवेक कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गिव्स यू अ सेंस ऑफ, तो विमर्श रूपिणी विद्या क्या देती है आपको, एक सेंस देती है, एक ऐसा भाव देती है, व्हाट इज राइट, जो सही है उसको समझने का भाव देती है, एंड हेल्प्स यू, और आपकी सहायता करती है टू अवॉइड, बचने में, व्हाट इज रॉन्ग, जो कि गलत है उससे बचने में, जो गलत रास्ता है उससे बचने में हेल्प करती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, यू मस्ट ट्राई, आपको प्रयत्न करना होगा, आपको प्रयास करना होगा, देयरफॉर इसीलिए, टू फाइंड आउट, खोजने का, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, कि आपसे क्या रिक्वायर्ड की गई है, आपसे किस चीज की जरूरत इस जनरेशन में। ये जो जनरेशन है, इट मीन्स ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये जो एज, जो युग है जो चल रहा है, जो पीरियड, जो एरा चल रहा है, उस युग में जो आने वाले लोग हैं, जो युग, जो पीरियड है, जो काल है, उसमें आपसे किस चीज की डिमांड की गई है, आपसे क्या उम्मीद की गई है, तो ये खोजना बहुत जरूरी है कि आपसे क्या चाहिए आने वाली पीढ़ी को, आप क्या योगदान कर सकते हैं। अ पर्पज विच हैल्ड गुड सेंचुरीज अगो मे नॉट होल्ड गुड टूडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आर कंट्री। आप पर्पज, राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कि एक उद्देश्य, विच हैड गुड सेंचुरीज, जो
सेंचुरीज अगो मीन्स शताब्दियों पहले अच्छा था, हेल्ड मीन्स जो जिसे माना जाता था क्या अच्छा, और शताब्दियों पहले मे नॉट होल्ड गुड टूडे, वो नहीं हो सकता अच्छा इन व्यू ऑफ, मतलब टूडे आज वो अच्छा नहीं हो सकता, आज वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही साबित हो, इन व्यू ऑफ क्यों नहीं हो सकता, इन व्यू ऑफ के उद्देश्य को दृष्टिकोण में रख के, किसे दृष्टिकोण में रखना, रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस, तेजी से बदलती हुई कंडीशंस परिस्थितियां ऑफ आर कंट्री, हमारे देश की एंड ऑफ द वर्ल्ड संसार की, इट मीन्स जो परिस्थितियां हैं सरकमस्टेंसेस हैं वो टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो आज का जो ये मैकेनिकल एज है इसमें जो बहुत तेजी से स्थितियां बदल रही हैं देश की और संसार की, तो उन तेजी से बदलती हुई स्थिति में को दृष्टिकोण में रखते हुए जरूरी नहीं है कि वो पर्पज वो उद्देश्य आज भी अच्छा हो, आज भी वो आने वाली पीढ़ी के अनुरूप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सो द पर्पज, इसीलिए उद्देश्य विच यू एडॉप्ट, जो आप अपनाते हैं इन योर लाइफ अपने जीवन में, मस्ट बी एडेप्टेड, एडेप्टेड मीन्स अनुकूल होना चाहिए, वो सुटेबल होना चाहिए टू द रिलेवेंट नीड्स, जो रिलेवेंट नीड्स हैं, जो संबंधित आवश्यकताएं हैं, रिलेवेंट मीन्स स्पष्ट और संबंधित आवश्यकताएं, और किसकी, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि वर्तमान पीढ़ी की, जो वर्तमान युग चल रहा है उसकी जो रिलेवेंट नीड्स हैं, जो स्पष्ट आवश्यकताएं हैं, जो संबंधित आवश्यकताएं हैं, उन्हीं के अनुरूप उन्हीं के अनुकूल वो उद्देश्य होना चाहिए जो आप अपने जीवन में अपनाते हैं। इट मीन्स उद्देश्य ऐसा हो जो आने वाली पीढ़ी के अनुकूल हो, सुटेबल हो, और आपका योगदान आने वाली पीढ़ी को मिल सके। Every time we start, we use our hymns and end with saying शांति शांति शांति। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि हर बार जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले hymns, hymns means भजन, means कोई श्लोक या मंत्र, इनका उच्चारण करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, and end with saying, और उसका फिर अंत कैसे करते हैं, शांति शांति शांति, ऐसा कहकर उसको, पूजा को समाप्त करते हैं। ये हमारा मतलब संस्कृति है, संस्कार है। द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हिटिंग ईच अदर, अध्यापक और पीपल्स यानी के स्टूडेंट्स यानी शिष्य, तो अध्यापक और शिष्यों से एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उनसे आशा की जाती है कि वो बचें हिटिंग ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करने से वो बचें, उनके बीच जो एक रिश्ता है एक अध्यापक का और एक स्टूडेंट का वो बहुत ही प्रेम से भरा होना चाहिए, और ये जो हेट शब्द यहाँ पे यूज किया है राइटर ने, इट मीन्स उनके बीच में घृणा का भाव नहीं होना चाहिए, तो इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि टीचर तो अपने पीपल्स को हमेशा अच्छा रास्ता दिखाते हैं, तो पीपल्स को भी ये बात समझनी चाहिए। कंपैशन दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीमेन देन ऑफ मैन, कंपैशन मीन्स दया, इसे हिंदी में दया, कंपैशन यानी कि करुणा जिसे कहा जाता है, तो करुणा का भाव यानी कि दया का भाव इज द क्वालिटी, एक ऐसा गुण है विच इज मोर करेक्टरिस्टिक, जो अधिक बड़ा अधिक अच्छा करेक्टरिस्टिक मीन्स क्वालिटी है ऑफ विमेन, स्त्रियों की, देन ऑफ मैन बजाय पुरुषों के, तो पुरुषों की बजाय स्त्रियों की ये अधिक अच्छी क्वालिटी है। आई रेड रिसेंटली अ बुक विच स्पीक्स अबाउट द डेक्लाइन ऑफ विमेनहुड, मैंने अभी हाल ही में किताब पढ़ी थी, यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन जी कह रहे हैं कि मैंने किताब पढ़ी थी अभी हाल ही में, जो बताती है अबाउट द डेक्लाइन, पतन के बारे में, डेक्लाइन मीन्स पतन, किसका पतन, विमेनहुड, स्त्रीत्व का पतन, स्त्री स्त्रीत्व के पतन के बारे में वो बात कुछ बताती है बुक, एंड सेज और कहती है दैट दिस इज सो, कि ये जो स्त्रीत्व का पतन हुआ है ये इसलिए हुआ है बिकॉज, क्योंकि देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि कंपैशन में करुणा के दया के भाव में पतन हुआ है, करुणा के भाव में कमी आई है, तो इसलिए स्त्रीत्व का पतन हुआ है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कहें द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, कि जो स्त्रियों का नेचुरल क्वालिटी है, प्राकृतिक गुण है, वो है कंपैशन यानी कि करुणा का भाव, दया का भाव। इफ यू डोंट हैव कंपैशन, यदि आपके अंदर करुणा भाव नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप ह्यूमन नहीं है, इंसान ही नहीं है। इट इज देयरफॉर, ऐसा है देयरफॉर, इसीलिए एसेंशियल, आवश्यक फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के लिए, हर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हर इंसान के लिए आवश्यक है
टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। ये तीन क्वालिटीज बताई हैं, जो तीन क्वालिटीज हैं जो किसी को भी ह्यूमन बींग बनाती हैं। इट मीन्स किसी भी व्यक्ति को ह्यूमन बींग यानी कि इंसान कहलाने लायक बनाती हैं। ये हर व्यक्ति के अंदर नहीं है तो इन्हें डेवलप करना चाहिए। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य के लिए इनको डेवलप करना, विकसित करना। कौन कौन सी क्वालिटीज को? कंसीडरेटनेस मीन्स सूझबूझ की क्वालिटी, यानी इट मीन्स सिंपैथेटिक होना चाहिए, एक सहानुभूतिपूर्ण उसका जुड़ाव होना चाहिए, जो दूसरों के लिए अधिकार हैं, दूसरों की भावनाएं हैं, उनको समझने की एक जो शक्ति होती है उसे कहते हैं सूझबूझ की शक्ति। तो एक सूझबूझ की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, काइंडनेस, दया का भाव, कंपैशन, करुणा, ये तीन क्वालिटीज विकसित कर लेनी चाहिए। विदाउट दीज क्वालिटीज, इन गुणों के बिना, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मानव पशु हैं। नर पशु कहा गया है भगवद्गीता में, नॉट मोर देन दैट, और उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विषा वृक्षा, एक फेमस वर्स है, श्लोक है, विच टेल्स अस, जो हमें बताता है कि संसारा विषा वृक्षा, कि संसार जो है ये विष का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, और संसार को क्या कहा है राइटर, इम्परफेक्ट, अपूर्ण संसार, इस संसार में, अपूर्ण संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी, दो फल हैं, इनइमिटेबल मीन्स अद्वितीय, इनइमिटेबल मीन्स यूनिक। तो अद्वितीय गुण के दो फल हैं, और वो दो फल कौन से हैं? दीज आर द स्टडी ऑफ आर ग्रेट क्लासिक्स, एक तो हमारे महान शास्त्रों का अध्ययन, जो हमारे महान शास्त्र हैं, क्लासिक्स हैं, क्लासिक्स मीन्स जो लिटरेरी वर्क हैं फर्स्ट रैंक के, शास्त्रीय कृतियां जैसे कि रामायण, भगवद्गीता, है ना, इस तरह के, बाइबल, कुरान। तो ये जो क्लासिक्स हैं हमारे, और कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और दूसरा फल क्या है? ग्रेट माइंड्स, इट मीन्स जो महान मस्तिष्क हैं, जो अच्छे सद्गुणों वाले व्यक्तित्व हैं, उनके साथ संगति। तो ये दो गुण हैं जो बहुत ही अद्वितीय हैं, और ये दो फल हैं अद्वितीय गुणों के। एक तो हमें अपने जो महान शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, और अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, संग करना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो हमारे जीवन को अच्छी दिशा देती हैं। दीज टू आर, ये दोनों जो फल हैं, ये दोनों आर थिंग्स, ऐसी चीजें हैं विच माउल्ड, जो आकार देती हैं मनुष्य के माइंड, माइंड्स एंड हार्ट्स, यानी कि मनुष्यों के मस्तिष्क को और हृदय को। इट मीन्स ये दो फल ऐसे हैं, एक तो शास्त्रों का अध्ययन, जो हमारे शास्त्र हैं उनका अध्ययन, और एक अच्छे लोगों का की संगति। तो ये दो हैं जो मनुष्यों के मस्तिष्क को और हृदय को आकार देते हैं। आई एम एक्शस, और मैं आतुर हूँ, दैट आर ग्रेट क्लासिक्स, की हमारे जो महान शास्त्र हैं शुड बी स्टडीड, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, सबको उनका अध्ययन करना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, और बल्कि सभी देशों के जो शास्त्र हैं, जितने भी अच्छे लिटरेरी वर्क्स हैं, ऑफ विच जिनके वी आर द इनहेरिटर्स, जिनके हम इनहेरिटर्स रह चुके हैं। इनहेरिटर्स मीन्स कोई चीज कहीं से ले लेना, इनहेरिट कर लेना, जैसे कि एक फैमिली से हम अनेक गुणों को इनहेरिट करते हैं, तो इसी तरह से हम उनके वंशज रह चुके हैं, इट मीन्स हमने उनसे कुछ ना कुछ लिया है। तो सभी देशों के क्लासिक्स का अध्ययन किया जाना चाहिए। इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग इज इन एन उपनिषद, एक छोटा सा संवाद है उपनिषद में, दैट अ क्वेश्चन इज पुट, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछा जाता है, वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का सार क्या है, मतलब क्या चीज है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो निर्मित करती है अच्छे जीवन के सार को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।